मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे जीवन का उद्देश्य और हमारी इच्छाएं दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हैं। इसको समझें कैसे जुड़ी है और कैसे हम इसका लाभ ले सकते हैं, यही आज मैं बताऊंगी डॉक्टर रमा। मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें बताती हूँ, रेकी की, ज्योतिष की, ध्यान की और आपके जीवन की। हमारा जीवन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसकी बातें करनी बहुत ज़रूरी है। ये जितनी भी हम चीज़ें करते हैं, ज्योतिष, ध्यान, इनके बारे में जो भी हम बातें करते हैं, अपने जीवन को सुधारने के लिए ही करते हैं। तो अपने जीवन की बात तो हमें करनी ही चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना, अपने लक्ष्य को पहचानना। हम सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, हम सबके अंदर हैं अलग अलग क्वालिटीज़। भगवान ने हम सबके अंदर कुछ ना कुछ विशेष दे रखा है। ऐसा नहीं है कि मुझ में अगर कुछ खास है तो किसी दूसरे में नहीं है, होगा, लेकिन उसने उस चीज़ को ढूंढा नहीं, समझा नहीं, अपने अंदर बैठे हुए उस ईश्वर को पहचाना नहीं। ज़रूरी है कि आप अपने अंदर बैठे हुए जो आप खुद हैं उसको पहचाने और अपनी क्वालिटीज़ को पहचाने और पहचाने कि कैसे आप उस क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं जो कि आपके गोल हैं। हम सब अपने जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य लेकर आए हैं, हमारा कोई ना कोई ध्येय है जिस वजह से हम इस जीवन में आए हैं। यही नहीं है कि हम रोटी खाना पानी इसके लिए ही आए हैं, बहुत बड़े बड़े उद्देश्य को लेकर आए हैं, क्योंकि हम सबके अंदर ईश्वर है और वो ईश्वर कोई ना कोई इच्छा पूर्ति के लिए आया है, कोई ना कोई उद्देश्य के लिए आया है। जब राम ने जन्म लिया तो राम भी किसी उद्देश्य के लिए आए थे, कृष्ण भी किसी उद्देश्य के लिए आए थे, वैसे ही हम सब भी अपने अपने जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य पूरा करने के लिए आए। अब जरूरी है कि हम उस उद्देश्य को समझें। वो लोग इस उद्देश्य को समझते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी सारी की सारी ऊर्जाएं उसी में लगा दी और उसे लिया, उसे प्राप्त किया। हम क्या करते हैं, भटकते रहते हैं, आसपास भटकते रहते हैं, हमें हमारा उद्देश्य भी नहीं पता चलता कि हमारे जीवन में हमारा उद्देश्य क्या है। हम उसे पूरा तो बहुत बाद में करेंगे, बहुत सारी हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है। जब हम देखते हैं कि हम जो पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं उनको हम पाने की कोशिश कर रहे हैं और हम पा नहीं पा रहे, तो क्या ऐसा हो रहा है। फिर हम बहुत सारे लोगों से विचार विमर्श करते हैं, कुंडली दिखाते हैं, अलग अलग तरीके से काउंसलिंग लेते हैं, फिर हम सोचने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है जो कि हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं होने दे रहा। ऐसा क्या है हमारे जीवन में जो कि हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता, कुछ और हो जाता है। क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जीवन में क्या उद्देश्य लेकर आए। अगर हम ये चीज़ समझ लें तो उसके बाद जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हम सोचते हैं रोज, वो अपने आप ही पूरी होने लग जाएंगी, क्योंकि वो उद्देश्य जुड़ा हुआ है हमारे साथ, हमारे अंदर बैठे हुए ईश्वर के साथ और उस ईश्वर के साथ। क्योंकि सब कुछ हमारा जो हिसाब किताब है जन्मों का, हिसाब किताब करने के बाद ही ये डिसाइड किया गया है कि हमें क्या उद्देश्य को प्राप्त करना है। उस उद्देश्य को अगर हम समझ जाएंगे, महसूस कर लेंगे, तो हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के साथ साथ हमारे अंदर जो ईश्वर है उसको भी संतुष्ट करेंगे और ऊपर जो ईश्वर है उसको भी संतुष्ट करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी इच्छाएं अपने आप ही पूरी होने लग जाएंगी। हम क्या करते हैं, अपने उद्देश्य को समझ ही नहीं पाते। कभी कभी क्या होता है, किसी के जीवन में उद्देश्य होता है लोगों की सेवा करना, उसको लोगों की सेवा करनी होती है और लोगों को उनके उद्देश्यों तक पहुंचाना होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता, वो अपनी इच्छाओं के पीछे भागता रहता है जीवन भर, जो उसे कभी भी नहीं मिलती। अगर वो लोगों की सेवा करेगा, उनको उनके उद्देश्य तक पहुँचाएगा, तो उसकी इच्छाएँ अपने आप ही पूरी होती रहेंगी, उसके अंदर का ईश्वर स्वतः ही सेटिस्फाई रहेगा, संतुष्ट रहेगा, और जो ऊपर ईश्वर है वो भी संतुष्ट रहेगा कि वो अपने उद्देश्यों को पूरा कर रहा है। तो उसके बाद जब वो कोई चीज़ पूरी कर रहा है तो उसकी इच्छाएं तो अपने आप ही पूरी होंगी ना, अधूरापन नहीं रहेगा जीवन में। दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे जीवन के उद्देश्य और हमारी इच्छाएं, हमें इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने उद्देश्यों को नहीं समझ पाएंगे, अपने लक्ष्यों को नहीं समझ पाएंगे और उनको पूरा करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम अपनी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर सकते। ये हमें समझना चाहिए, जो भी हमारा उद्देश्य है हमें उसे ही पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि हम मुकर जाएँ, हम चाहें कि हम ये ना करें,
देखिए ये जो हमें मिला है जीवन में, हमारे ही वजह से मिला है, हमारे ही कर्मों की वजह से मिला है, हमारी ही सोच की वजह से मिला है। हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। खुद को ब्लेम कर सकते हैं, अपने कर्मों को ब्लेम कर सकते हैं, अपनी मानसिकता को ब्लेम कर सकते हैं। हमें दोष लगाना है तो सिर्फ हम खुद को दोष लगा सकते हैं कि मुझे ऐसा क्यों मिला, किसी और की तरह मुझे इतना बढ़िया क्यों नहीं मिला, मुझे ये उद्देश्य क्यों मिला कि मैं लोगों की सेवा करूं, मैं लोगों के लिए अच्छा करूं, परमार्थ करूं। इसके लिए मैं खुद को दोषी दे सकती हूं, दूसरों को नहीं दे सकती। अगर मुझे अच्छा मिल रहा है तो उसके लिए मैं अपने आप को ही कह सकती हूं कि मैंने कुछ अच्छा किया होगा। तो हमें ये समझना है, पहले हम अपने उद्देश्यों को समझें और फिर हमारी इच्छाएं अपने आप ही पूरी होने लग जाएंगी, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ में जुड़ी हुई हैं। अपने उद्देश्यों को समझने के लिए चाहे हम ध्यान का सहारा लें, चाहे हम उसके बाद रेकी का सहारा लें, चाहे हम अपने आप को रिलैक्स रखें म्यूज़िक अच्छा सुन के, कोई भी कारण हो, किसी भी तरीके से हमने अपनी ऊर्जाओं को इकट्ठा करना है, एकजुट करना है, और उसके बाद जो परम पिता परमेश्वर है उससे जुड़ना है। अपने आप ही हमें हमारा उद्देश्य पता चल जाएगा। जब तक हमारी ऊर्जाएं बिखरी रहेंगी हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हम जीवन में क्या चाहते हैं। खुद को इकट्ठा करना, खुद को महसूस करना, खुद को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम जरूरी नहीं समझते। हमें लगता है कि ध्यान लगाना सिर्फ आध्यात्मिक लोगों का काम है, ऐसा नहीं है, हम सबका काम है। जब हम रोटी खाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, घर की सफाई करते हैं, तो ऊर्जाओं की सफाई क्यों नहीं करेंगे, आत्मा की सफाई क्यों नहीं करेंगे। शरीर साफ हो गया, आत्मा को भी तो साफ करना है ना। वो कैसे होगा? ध्यान से होगा, रेकी से होगा, मेडिटेशन से होगा, ये जो आध्यात्मिक तरीके हैं इनसे होगा। हमें इनसे जुड़ना पड़ेगा तभी हम अपने उद्देश्य को समझ पाएंगे। हमें हमारे उद्देश्य के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए और खुद से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई और आदमी आके मुझे कह रहा है ये उद्देश्य, मैं ये मान लूँ, फिर कोई और मुझे कुछ और कह रहा है फिर मैं वो मान लूँ। मुझे अपने अंदर के ईश्वर को जागृत करना है, मुझे ही नहीं आप सबको करना है, अपने अंदर के गुरु को जागृत करना है कि वो आपको रास्ता दिखा सके। आपको किसी और के पीछे नहीं भागना है, खुद के पीछे भागना है। पहले खुद को ढूंढना है, महसूस करना है, फिर अपना ही गुरु बन के अपने उद्देश्य को समझ के अपने ही उद्देश्य के पीछे भागना है, और उसके बाद अपनी इच्छाओं को पूरा करता जाना, फिर उसके बाद अपनी इच्छाओं को पूरे करते जाना है। हम यही तो चाहते हैं कि हम अपने जीवन के ध्येय तक पहुँचें और हम अपनी इच्छाओं को पूरा करें। हम सब इस मामले में स्वार्थी हैं, हम सब अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। वो इच्छा प्राप्ति ईश्वर को प्राप्त करने की भी हो सकती है, आध्यात्मिकता की ऊँचाइयों में पहुँचने की भी हो सकती है, कोई भी इच्छा हो सकती है। लेकिन इच्छा तो इच्छा ही है ना, पूरी तभी होगी जब हम जीवन के उद्देश्य को समझ पाएंगे, तभी तो हम अपने अंदर बैठे परमात्मा को खुश कर पाएंगे। तो आप समझिए अपने आप को, महसूस कीजिए अपने आप को, ताकि आप अपने जीवन की धारा कहाँ जानी चाहिए ये भी समझिए। आज के लिए इतना ही। मैं फिर आप लोगों से बहुत सारी ऐसी ही बातें करने के लिए आऊँगी। मैं डॉक्टर रमा, नमस्कार।